तो पहली बार ही आप नीम करौली महाराज के गए हैं? पहली बार गया। तो पता कैसे चला आपको? एक्चुअली मेरे फेसबुक के ऊपर रील कंटिन्यू आना शुरू हो गई महाराज जी की। कितने टाइम से शुरू हुई है? एक महीने पहले से। अच्छा, मई महीने में। मई से? हाँ। अच्छा, हम उसको फॉलो करते रहे। हाँ, मेरी बेटी थोड़ी पजल थी। हाँ, उसने मेरे को बोला मेरे को नीम करौली जाना ही है बाबा के दर्शन में। अच्छा, फिर हमने एक बार पहले प्रोग्राम बनाया था 15 जून को जाने का, लेकिन अब फिर भीड़ सुन के हमने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। 15 जून को तो बहुत भीड़ होती है। 25 जून को फिर एकदम शाम को ऐसा हो गया कि नहीं हमको जाना ही। अच्छा, कुछ भी करो। अच्छा, फिर हमने 25 जून को फ्लाइट की टिकट बुक करी अहमदाबाद से दिल्ली। हाँ, दिल्ली। हाँ, और दिल्ली से हमने अपना पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी लिया और अब दर्शन करने के लिए गए 27 जून को। और शाम को पहुँचते हमने पहला दर्शन किया। क्या बात है। हाँ, और एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को नीम करौली जी का। हाँ, मैं दर्शन करके निकला। हाँ, उस समय वहाँ कोई गाय नहीं थी, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला पार्किंग की तरफ जा रहा था, पीछे से गाय चाटने लग गई आके। तो हमारे पास जो प्रसाद का डब्बा था वो हमने गाय को खिला दिया। क्या बात है, बहुत जोरदार। फिर हम शुक्रवार को गए। हाँ, सुबह और शाम दर्शन किया। तो शाम को मेरा मन ग्लानी में आ गया कि हम कुछ चढ़ा नहीं पा रहे बाबा को, प्रसाद तो अंदर जाता नहीं है, सब वापस हो जाता है, कंबल भी उन्होंने वापस कर दिया। तो ग्लानी में आए तो नीम करौली धाम के दरवाजे के पास में तिवारी जी की दुकान है। हाँ, छोटे वाले। हाँ, तो उनका क्या बोलते हैं, मारुति स्टे होम भी है। अच्छा, तो मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला मेरे को एप्पल चढ़ाना है। हाँ, तो बोले कितना चढ़ाना है? मैंने बोला आप एक पेटी दो पेटी जो मेरा अंदर जा सके, लेकिन मेरे को एप्पल चढ़ाना है। हाँ, तिवारी जी ने बोला मैं चढ़वा दूंगा। हाँ, फिर मेरे को शनिवार को वापसी थी अहमदाबाद की। तब सुबह मैं दर्शन करने गया। हाँ, और मेरी एक पेटी एप्पल अंदर गया। अच्छा, और वो वहाँ चढ़ा। उस समय जो पुजारी समाधि में खड़े थे उन्होंने मेरे को जब एप्पल दिया तो उनकी आवाज और बाबा जी की आवाज एकदम सेम थी। नीम करौली का चमत्कार ही कह सकते हैं। सही बात, दिव्य धाम है, बहुत बढ़िया। उसके मुकाबले मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई धाम नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार पांडे। तो ये दुकान चाय की, ये आपकी दुकान है? अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी चाय की दुकान, ये हमारी है। बहुत चाय तो बहुत जोरदारी, मैं तो आते रहता हूँ। पहले मैं इधर ही रहता था, अभी तो मैं मोटेरा चला गया हूँ। और बाबा का चमत्कार कंटिन्यूस है। मेरी बेटी को नौकरी नहीं थी, फसल थी, लेकिन हम जिस समय चैती धाम का दर्शन कर रहे थे उस समय मेरी बेटी को नौकरी का ऑफर आ गया। क्या बात है, जय हो, जय हो महाराज जी, बहुत बढ़िया। और एक और चीज भैया नोट करने जैसी है कि उनको कैची धाम से बुलावा आया था। हाँ, सही बात। हाँ, मेरे को बुलावा आया, क्योंकि 15 तारीख को जाने का प्रयत्न किया। हाँ, मगर हाँ जा नहीं पाए। हाँ, और 25 को वो डेस्परेट हो गए और 27 को चले गए। सही बात है, क्योंकि महाराज जी जाने की बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा है। क्योंकि महाराज जैसे देखो अभी हम आए ना, एक्चुअली हम ये पुणे में रहता है, एक्चुअली पुणे में जॉब करते हैं, इसके मम्मी पापा इधर रहते हैं। ये बचपन से ही मतलब मेरे को जानता है, हम लोग मतलब मैं इसके पड़ोसी था, अभी तो मैं मोटेरा चला गया। तो हम हनुमान मंदिर ही गए थे, फिर आने के बाद ना हम पहले सोच रहे थे शंभू में जाके बैठते हैं चाय पीने, शंभू तलावड़ी में। फिर मैंने कहा यार वहाँ पर आज शनिवार है, भीड़ बहुत होगी, एक काम करते हैं एयरपोर्ट में जाते हैं, 3 पोस्ट में बैठते हैं। फिर जैसे ही मैं आया तो मैंने महाराज जी की फ़ोटो और वो देखी, क्योंकि मैं तो हनुमान जी का एक रूप आ सकूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये कुछ एक संकेत मिल रहा है, मतलब समझ ले बाजी रहा तू। और आपको एक और बताऊं मैं। हाँ, भवाली में हम जहाँ रुके थे घनेश्वरम में। अच्छा, बहुत अच्छी स्टे की जगह थी घनेश्वरम, विजय सिंह करके ऑनर है, बहुत अच्छी होटल है और प्योर वेज होटल है। बहुत बड़ी बात तो ये कि हमको प्योर वेज होटल मिल गई, हम लोग खुद प्योर वेज। हाँ, समझ गया वो तो। हाँ, बहुत अच्छी जगह रही और वहाँ से आने जाने में हमको बड़ी सहूलियत रही, बहुत बढ़िया। और कैची धाम के अंदर हमारी टेक है, हमारी बिटिया जिस दिन अमेरिका या कनाडा की पीआर हो जाएगी, हाँ, उसके पहले हम अभी एक मतलब फिर से जाना चाहते हैं। तो बस महाराज जी इच्छा पूरी कर देंगे आपकी। चलो फिर मिलते हैं, जय सिया राम। सर नाश्ता सा करके जाओ। अरे नहीं कुछ नहीं करना, अरे कभी आएंगे अभी। सो 2 दिन पहले मैंने मेरे ग्रुप पे मैसेज डाला दोस्तों को कि सारंगपुर हनुमान चलते हैं। ठीक है, मेरी बहुत इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, तो सब दोस्तों ने मना कर दिया। ठीक है, तो आज अचानक से मैं बैठा हुआ था, आज मेरा सुबह में एक झगड़ा भी हो गया छोटा सा सोसाइटी में, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया आपसे मिलना है मुझे, और मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि भैया बोले चलो मिलते हैं। मैंने बोला भैया हम सारंगपुर चलते हैं। ठीक है, तो भैया बोले सारंगपुर तो नहीं जा पाएंगे, उनका एक काम था, वो काम ख़त्म होने के बाद बोले मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे तकरीबन
तीन बजे, ठीक है, और ये बोला कि चल हम डबोड़ा हनुमान चलेंगे, ठीक है। तो यानी आज हनुमान जी की इतनी तीव्र, यानी मेरी जो अंदर की फीलिंग थी भगवान से मिलने की, वो इतनी ज़्यादा थी कि हम पहले एक्टिवा लेके जाने वाले थे, लेकिन कहते हैं ना भगवान की जब आपके आप पे कृपा होती है तो भगवान आपके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। हमें गाड़ी मिली एसी, एसी गाड़ी में मैं, भैया और हमारे साथ और तीन हमारे जो दोस्त थे वो सब गए। हम डभोड़ा गए, डभोड़ा से आने के बाद हमने फिर से इच्छा जताई कि हम एक और मंदिर जाके भगवान के दर्शन करेंगे, ठीक है। हम टेबली जाना चाहते थे, लंबे हनुमान, ठीक है, कठवाड़ा रोड पे जो है, जो कठवाड़ा के पास है। तो पहले हमारे दर्शन हुए डभोड़ा में, बहुत ही शानदार, वहाँ हमारी एक इच्छा पूर्ण हुई। रास्ते में आते हुए हमने एक और माता जी के मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करेंगे, तो भैया बोल रहे थे कि हम इनको ड्रॉप करेंगे और एक्टिवा लेके फिर से हम एक और मंदिर जाएंगे कठवाड़ा, ठीक है। तो जो जिनकी कार थी वो रास्ते में, उन्होंने ही बोल दिया कि ठीक है आज हम निकले हैं तो चलो वो मंदिर भी जाके आते हैं। तो आप चमत्कार देखिए कि हम टू व्हीलर पे जाने वाले थे, भगवान ने आज हमारे लिए कार का अरेंजमेंट इसी के साथ, हमें वहाँ डभोड़ा का भी दर्शन हुआ और हमें लंबे हनुमान का भी दर्शन हुआ। और वहाँ पर प्रसादी भी थी, मगर दूसरी खास बात पता है, वहाँ हाँ, प्रसादी भी थी। शनिवार रविवार को वहाँ पर प्रसादी भी होती है, उसमें खिचड़ी होती है और वो सब होता है। और हमें, यानी आज हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। और जैसे ही हम यहाँ पे आए, जैसे भैया ने कहा कि हम पहले शंभू में जाने वाले थे, फिर कहा नहीं शंभू में भीड़ होगी, तो हम टी पोस्ट पे आए, ठीक है। और जैसे ही हम आए हमें नीम करोली बाबा के दर्शन नहीं आते, तो है ना जोरदार बात, जबरदस्त वाली। आज का ये अनुभव है कि सुबह से ही हम पे भगवान मेहरबान है, हनुमान जी, और आज का दिन बहुत अच्छा था।